सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है दीपा नेगी और स्वागत है आपका हमारे देवभूमि उत्तराखंड की तीन पहाड़ों से और खूबसूरत पावन सी भूमि से। और आज की ब्लॉग स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं शाम 4 बजे से। सुबह बहुत काम था इसलिए मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला और मैंने भी निकाल दिया फिर से अपनी भैंस को बाहर। और ये हमारी मालू भैंस है, ये खा रही है बांझ। और ज़रा यहाँ रसोई की तरफ चलते हैं तो मोनी बना रही है यहाँ पे हमारे लिए चाय। और आजकल हमारे घर में सब्जी नहीं है और 2 दिन हमने आलू की थिंचवानी बनाई है और आज बनाएंगे हम इस चीज़ की सब्ज़ी। ये देखिए आज मैं इसको निकालूँ फिर से, इसको निकालूंगी और आज इसकी सब्जी बनाएंगे हम। और मोनी भी ला गई मेरे लिए चाय, नीचे रख। ये देखिए स्पेशल चाय और रस। तो चलिए हम भी चाय पीते हैं अब 4 बजे का मौसम। तो दोस्तों मैं जा रही हूँ अभी इस वक्त खेत में और वहाँ पर हमने दाल बोई थी तो वहाँ पर थोड़ा सा काम रह रहा था जो कि हम कुदाल से करते हैं। देखिए मेरे हाथ में कुदाल और दराती और मैं जा रही हूँ इस वक्त खेत में। प्रियंशिया बच्चों आ रही है बकरी और ये क्या कर बकरी कौन दे रही। ये देखिए ये है प्रियांशी। अरे लोगों के खेत में ना बकरी चुंगा रही है आराम से। ये देखिए अरे बकरी दे तेरे माथे ऐ कनी। तो ठीक है दोस्तों मैं भी आ चुकी हूँ अपनी खेत में और इस सारे कबाड़ को करूँगी मैं इस कुदाल की मदद से साफ। ये रहा हमारा खेत, नीचे के सारे खेतों में ना दाल और कोदा बो दिया आजकल सभी ने। नीचे हमारी दीदी जी भी बो रही है दाल, बहुत बहुत दाल काका। खेत में पहुंचते ही पहुंचते आसमान बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया। अब मैं घर आ गई वापस क्योंकि मेरी भैंस भी बाहर है उसको अंदर पाना है। बारिश की बूंदें भी पड़ने लगी है और बहुत ही तेज़ आंधी तूफान। आज खेत में जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। खेत में पहुंची और आसमान ख़राब, आंधी और तूफान और बारिश की बूंदें भी और आसमान ने तो आजकल दिमाग ख़राब कर रखा है। और खेत में तो कहीं कुछ काम नहीं हुआ दोस्तों। आज जब तक मैं घर भी पहुंची तब तक इतनी भयंकर बारिश थी। देखिए बाहर आप लोग देख सकते हैं इतनी मोटी बारिश। यहाँ पर खा रही है काफल। अरे मोनी भी ये देखो खड़े होके खा रही है। ये ना काफल को चूसती है और चूस के फेंक देती है और हम तो हड्डी समेत भूल देते हैं साफ निकल जाते हैं ऐसे बस। वैसे तो लोग हमें चिढ़ाते हैं कि पहाड़ी गंवार सब कुछ, जिस टाइम पर काफल पकते हैं ना लोग कह रहे हाँ तुम कैसे हो, कैसे खा रहे हो तुम काफल, तरस रहे होते हैं सबके साथ। जब लोग हमारी वीडियो देखते हैं ना स्टेटस देखते हैं तो सबके सब मैसेज और कॉल करते हैं हाँ कैसे खा रहे हो तुम काफल, हमें भी भेज देना हमें भी भेज देना। परंतु हम गंवार हो चाहे पहाड़ी हम खुश हैं अपने देवभूमि उत्तराखंड में, सच में बहुत ही खुश हैं। और यहाँ बहुत सारे फल होते हैं वो भी फ्री,
का फल ही सर जामुन पता नहीं क्या क्या होते, बहुत सारे आम और क्या क्या फल होते हैं, बहुत सारे फल होते हैं यहाँ। और जैसे कि पोलम और पता नहीं क्या क्या फल हैं जो हमें फ्री मिलती हैं खाने के लिए। ये ले, ये लो आप भी आ जाओ खाने के लिए। चलो अब चलते हैं बुआ के कमरे में, देखते हैं बुआ क्या कर रही है। अब बुआ यहाँ पे फोन चला रही है आराम से बैठ के। बुआ हाय बोल, हाय। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और शाम हो गई और रात भी हो गई, अब हम सब्जी काटने की तैयारी करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। मैं थी पनीर, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।